हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं रोहित दहिया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल मौजूद हूं मैं गांव पिचोपा के अंदर, पिचोपा कला के अंदर, और जो बालडा विधानसभा क्षेत्र है वहां पे पड़ता है, जो नैना चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है। और जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, जिस ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, वो 2016 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक राजीव गांधी खेल परिसर जो है वो घोषित कर दिया गया था। लेकिन राजीव गांधी खेल परिसर जो है वो कैसा होता है, उसकी मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या ऐसा होता है। क्या सिर्फ घोषणाएं करने में मज़ा आता है सरकार को कि धरातल के ऊपर 6-6 साल बीतने के बाद में भी लोगों के पास में वो चीज़ें क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? कहाँ पे रोड़ा अटका हुआ है, एक बार कवर करके दिखा दीजिएगा। जो ट्रैक तैयार कर रखा है वो लोगों ने अपनी मेहनत के ऊपर तैयार कर रखा है। जो नेट लगा रखा है, नेट देखिए यहाँ पे, मतलब मजबूरी के अंदर लोगों को यहाँ पे दिखाइएगा, ये नेट लगा रखा है लोगों ने अपनी, मतलब किस प्रकार से 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200 इकट्ठा करके, मतलब चंदा इकट्ठा करके लोगों ने, बच्चों ने जो है वो अपने लिए तैयार कर रखा है। अगर ग्राउंड की बात करें तो उबड़ खाबड़ है, यानी कि बिल्कुल समतल ग्राउंड नहीं है, लेकिन मजबूरी के अंदर जो लोगों को, बच्चों को यहाँ पर तैयारी करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई ग्राउंड नहीं है। घोषणाएँ सरकार तो हर समय करती हैं, लेकिन ये जो बीजेपी फिलहाल की जो सरकार है वो बड़े बड़े घोषणाएँ करती है, लेकिन धरातल पर अभी दिखा देते हैं राजीव गांधी खेल परिसर के जो हालात हैं। उधर से वो जूम करके दिखा दे भाई, जो बास्केटबॉल के लिए दोनों साइड से बना रखा है वो कितना शानदार लग रहा होगा आपको, एक बार जूम करके दिखा दे, जाड़ भी नहीं है उसके अंदर। किस तरीके से तैयारियां करते होंगे बच्चे वहां पे, विकेट मतलब जो है, और यहां पे बीच के अंदर जो पौधा है, मतलब इसको ग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए भी किसी प्रकार की गाँव के शायद व्यक्तियों की बात करें, या फिर बड़े बड़े नेताओं की बात करें, या विधानसभा जो जिस क्षेत्र में के अंदर नैना चौटाला है, उन्होंने शायद इस गांव की तरफ देखा भी नहीं होगा, क्योंकि जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तब एक लहर चल रही थी चुनरी चौपाल, चुनरी चौपाल। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो कह कि चौपाल जो है वो लोग, बच्चे जो हैं वो इतनी मतलब दर दर भटक रहे हैं यहाँ पे। क्या अगर मेडल लाने की बात करें तो हरियाणा सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हरियाणा के लोग जो हैं वो विदेशों के अंदर जाकर के ओलंपिक के अंदर जाकर डंका बजाएंगे। क्या ऐसी जगह से निकलेंगे, क्या इस गांव के अंदर जो बच्चे नहीं हैं, क्या यहां के बच्चे जो है वो मेडल नहीं ला सकते? लेकिन सुविधाएँ तो दीजिएगा, जब सुविधाएँ बच्चों के पास नहीं होंगे तो वो कैसे पहुँच सकते हैं? बच्चों से बातचीत करेंगे कि 2016 के अंदर जब दादरी जिला बना था तो वहाँ से डायरेक्ट अनाउंसमेंट हुई थी, और बताया जाता है कि कुछ पैसे जो हैं वो वहाँ से अनाउंसमेंट कर दिए गए थे। क्या रोड़ा अटका हुआ है वो बातचीत करेंगे, कि आखिर 2016 के 6 साल बीत जाने के बाद में भी यहाँ पे जो है वो तैयारियाँ क्यों नहीं हुई है। तो आइए, अभी यहाँ पे मौजूद बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, सरपंच साहब मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो आइए बातचीत करते हैं एक बार। तस्वीरों के अंदर दिखाया कितना शानदार राजीव गांधी खेल परिसर हो तो ऐसा, हाँ नाश होता ऐसे हो, मतलब जैसी बातें की गई थी 2016 के अंदर, ये जिला बना था, ये मैं बता दूं, जिला बना था, सीएम अनाउंसमेंट भी दिखा रही थी, लेकिन वो क्यों थी पता है? एक जनता को झूठा घोषणा दिखाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा इसका नतीजा क्या होगा। अब जब यहाँ भी कुछ है नहीं ना, तो अब ये सोचो कितनी आत्मा है बच्चों की, वो गाड़ियाँ दे रही हैं। 2 साल तो कोरोना काल की खा गए, खुद का कुछ नहीं बिगड़ना, जनता का बिगाड़ना, ये जवान लड़की खड़ियाण की सीधी सी कर दी। कितने करोड़ रुपए अनाउंस हुए थे? मेरे ये गांव की समथिंग देखो, 1.9 करोड़ बता रहे हैं और कोई 84 लाख बता रहे हैं, एग्जैक्ट सिस्टम वो भी नहीं बता रहे। अच्छा, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी को लेके आया, जेई को लेके आया, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी, बोले ये तो बड़ा बहुत बड़ा सिस्टम गोलमाल चल रहा है, आप इसमें इन्वॉल्व मत हो। उनके डिपार्टमेंट के जेई को बोले, विनीत जेई है उसको बोला, अभी जोधपुर में ड्यूटी करता है, एक सेक्रेटरी है उसको बोला, सेक्रेटरी साहब ने तो मेरे को यहाँ तक बोले, विकास मेरी नौकरी भी चली जाएगी, तेरा मामला सिस्टम में नहीं वो कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मछलियों का छाया है, बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है तेरे काम में, और भी करण लाए रहे हैं। तो घोटाला तो तब हो ना जब शुरू करा कि मैं मतलब धरती होता है तो कौन नहीं, उससे पहले घोटाले। सुनो, मेरा काम तो ऐसा है जी, ईंट को लग गए उससे पहले उड़क सड़क बनी दिखा दे। मेरे काम में तो बहुत बड़ा सिस्टम ऐसा घोटाला हो रहा है, पहले तो सरपंच ने कर दिया, ई पी डी ओ इसी चीज करना लाए रहा है सरपंच का निकल जा। हाँ, ये मन ने कुछ दिन पहले एक नाला निर्माण था, उसका पाइप वूप दबवाया था, वो ठेकेदार ने काम पूरा कराया नहीं, उससे पहले तो उसकी पेमेंट करके रफू चक्कर कर दिया, बताओ। हाँ, देख लो। और अब ये क्या बोल रहे हैं, सुभाष वीडियो ने एक लेटर जारी कर दिया, बोलो कि जिस पंचायत फंड में, और पंचायत फंड नहीं, PRI और HRDF में जिस के पैसे हैं वो पैसे को रिपोर्ट दो, वो दो अन्य स्कीम और उनमें डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? सरकार का पैसा बचाने के लिए। अब वो दो सरकार की स्कीम है, एक तो ये है डी प्लान,
और हाँ डी प्लान में देने के लिए कुछ टेंडर करवा देंगे। काम का पैसा उसी के उससे में लगा दिया, हाँ ऊपर से पास हो गए 5 करोड़, तो 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर देंगे। एक बार तो 5 करोड़ वो हो गए, 5 दूसरा उसी में डिवाइड कर देंगे, दोनों बजट एक साथ कर दिए। लुभावने हो गए, छाणा गाना बन गया। लेकिन उन्होंने यार गाने छाणी दो भरपूर भूखी सो है वीडियो साहब ने तो न्यू बेरा को नहीं, उल्टा सिस्टम बैठा है। किस तरह बैठेगा, इसका बुरा दिन चलना शुरू हो गया जी, इसने बहुत गौर रनर्स करता रखे हैं, भगवान इसका लेखा लेगा। और दूसरी बात मैं क्यों कहूँ जी, मैं तो इसका डिपार्टमेंट में 75 राज्य में काम कर रखे है, भ्रष्ट मैं भी हूँ। हाँ मैं भी भ्रष्ट हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस बात ने मानू हूँ, और मैंने जो करा गलत करा है मैं उसका हर जन्मदिन का तैयार हूँ। लेकिन कोई आओ मैंने साबित कर दो और मैं साबित कर दूंगा, मतलब खुद नहीं करे और खुद नहीं कर सको लेकिन दूसरा तैयार। हाँ मैं साबित कर दूँ कोई, क्योंकि 6 साल मैंने 85 राज में काम करा है जी ठेकेदारी का, मन हर चीज का बेरा कट कड़के हो है। हाँ हाँ सारो बेरोस है। और वीडियो सेक्रेटरी तो ऐसा चीज़ हो रहा है, सुभाष वीडियो जब ऊपर तो भगवान उतर रहा है जी, जो उनके शरण में आ रहे हैं। और ये तो नैना चौटाला का आशीर्वाद है कुछ लोगों पर, तो नैना चौटाला बाद में आई है पूरे कदे दौरा करे है जितने के बाद में इन्हें उन्हें जो कर रखा है उन्हें कर रखा होगा, लेकिन पिछो पैगाम में नहीं आई। अरे चुनरी लाल चौपाल फलाने दिखड़ा वो करनी थी वो कर आ रही, वो चुनाव तो पहले की बात थी, इनकी बात कुछ नहीं है। मेरे गांव में तो छोटो वीडियो ब्लॉग पर स्पेशल नैना चौटाला ने अपने कह रहे वो जाल फेंक दिया, उड़ा दूसरा आदमी कोई काम नहीं कर सकता, जो वह बोले हैं वो पार है, वो सही हो चाहे गलत हो, जाल में बड़े बड़े काम। चलो बड़का तो बात कर लिया है, बड़का के कहना तैयारी करना है करोगे, तैयारी करना है करके रेस मारना है करा, ऊपर खबर ऊपर तो नहीं जावा है तो और बालक है भाई उससे बात करा जी। कैसी तैयारियां चलती हैं भाई साहब इसरे राजीव गांधी खेल परिसर के अंदर, जिस प्रकार से मतलब तैयारी खुद के ऊपर खर्चा करके खुद से कर रहे हैं जो भी करनी है तैयारी। अभी कहने का मतलब सब कुछ ग्राउंड भी तैयार किया है, ट्रैक भी बनाया है, खुद ही बनाया जैसा बनाया हमने खुद ने बनाया है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, खुद ही करते हैं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ गांव का है, कुछ चंदा वंदा लेके उसी से करते हैं। तो ये एक बात पूछूंगा, ये तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, पहले सरपंच था गए उन्होंने बात उठाई आपकी? नहीं नहीं कुछ नहीं उठाई, कोई बात नहीं उठाई, सिर्फ भाई साहब ने उठाई है बात और किसी ने भी नहीं उठाई अभी तक बात। क्या क्या घोषणाएं हुई थी भाई साहब, क्या कुछ दिखाया गया था, क्या मतलब दिखाया? तो बहुत घोषणा बहुत सारी करी, फिर एक घोषणा कामयाब तो नहीं करी। 2016 में अनाउंसमेंट हुआ 6 साल हो लिए, थोड़ी देर और फिर ये ट्रैक है खड़ा है इसमें खूब है, कहीं पैर मुड़ जाते हैं खराब हो जाए फिर हाँ परेशानी हो है। और फिर 1.9 करोड़ रुपया छोटा भी नहीं, वो सारा न्यू के न्यू खा गई। अब सर थोड़ी बहुत तो शर्मानी चाहिए दिखाना था चाहिए, थोड़े बहुत तो किमें तो लगना चाहिए, इन्हें लगा है वो पानी की टंकी लगा रखी बार वो हमने खुद ने करी है, खुद ने करी है कि उन में करके दिखा दी? नहीं नहीं हमने खुद ने बनाई है हमारे चंदे से, हां जो भी किया हमने खुद ने किया है। सैल्यूट आप लोगों को यार कि मतलब खुद की मेहनत के लिए सरकार तो कुछ नहीं कर रही ना, सरकार की तरफ मतलब कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ घोषणा करते है और कुछ नहीं करते। क्या-क्या खेल खेलने के लिए बच्चे यहां कुश्ती करते हैं, ये खड़ा है इधर और वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं और दौड़ रनिंग सारे खेल खेलते हैं यहाँ पर। लेकिन मतलब सरकार की तरफ से कोई सरकारी कोई सुविधा नहीं और मजबूरी हमें बाहर भी जाना पड़ता है, कालवाल स्टेडियम है, जोजू है, उज्जा है गेम करने, खर्चा भी लगा है, फिर सुबह शाम जो बाइक का भी खर्चा हुआ है, बस स्टैंड पर मिली नहीं, हाँ सारा खर्चा हुआ है। तो जैसा देखा आपने भाई साहब से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की, किस तरीके से तैयारियां करते हैं, अखाड़ा है उधर, कुश्ती के प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं यहाँ पे, लेकिन सुविधा ना होने की वजह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं गरीबी रेखा से नीचे भी होते हैं लेकिन सुविधा ना होने की वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जैसा गाँव के अंदर आपने देखा सुविधा नहीं है यहाँ पे, खिलाड़ी बहुत सारे हैं लेकिन दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, वहाँ पे भी रहने का खर्चा है, सारा कुछ खर्चा जो है वो खुद के लेवल पे उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि बीजेपी सरकार जो है वो किसने बड़े बड़े वादे करती है और कितने बड़े बड़े वादे करने के बाद में धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं होता, फुस हो जाती है आने के बाद में। 6 साल बीत चुके हैं, कुछ ना कुछ तो लगाया होता है इन ट्रैक के ऊपर आप लोगों ने, इन बच्चों ने खुद की मेहनत के ऊपर ट्रैक तैयार किया है और अभी भी मतलब उतना तैयार नहीं कर पाए जितना मतलब सारा ये वैसे खा गए रुपया मतलब दिखा रखे तैयार दिखा रखे ग्राउंड, हाँ ग्राउंड तैयार दिखा रखे, रुपया खा गए
जाते हैं सेक्रेटरी पास जाते हैं, ये पटवारी है, ग्राउंड तैयार है, पाकचम ग्राउंड तैयार है। देखो इससे बड़ा और घोटाला क्या उसका है, इससे बड़ा तो घोटाला कोई नहीं हो सकता। गांव के अंदर कहा जाता है, ये व्यक्ति खुद बता रहा है कि कागजात के अंदर ये जो ग्राउंड है वो बिल्कुल तैयार है, राजीव गांधी खेल परिसर तैयार है। लेकिन यहाँ पे देख लो आप एक बार, दोबारा घुमा के दिखा दे भाई, राजीव गांधी खेल परिसर ऐसा होता है, आपने बड़े बड़े देखे होंगे लेकिन यहाँ पे देख लो आप किस तरीके से तैयारी करते होंगे। तो इस वीडियो ने दबा के शेयर कर दियो भाई, ताकि इन बच्चों की आवाज़ जो है वो आगे उठ सके और शर्म आ जाए थोड़ी बहुत उस सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये सरकार बहुत कुछ भला करेगी, जैसे 7 साल ये लोग जो हैं वो गुहार लगाए बैठे हैं। तो अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।